तो गाइज बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा मेरा प्रोफाइल, उनको पता चला कि मैं मैजिशियन भी हूँ। ज्यादा नहीं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या आप मुझे मैजिक सिखाएंगे, बट मैं मैजिक नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे जब भी आप टेबल पे बैठेंगे या किसी के साथ कोई भी कार्ड गेम्स खेलेंगे। बहुत सारे लोग बैठते हैं एक टेबल पे और वहाँ पे हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, तो अगर आप कार्ड डील करते हो, आप अपने स्किल्स दिखाना चाहते हो, तो ये एक मूव है जो मैं सिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कूल लगोगे अपने ग्रुप में। तो ये एक टाइप का कार्ड फ्लरिश है और मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा और डिटेलिंग में सिखाऊंगा कि कैसे ये करते हैं और इसको कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या मूव्स इसमें क्रिएट कर सकते हो आप अपना खुद का, तो वो भी मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो ऑलराइट गाइस, ये क्लोजअप व्यू से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई अच्छे क्वालिटी का डेक लेना पड़ेगा। कोई भी कार्ड ले लो जो अच्छे क्वालिटी का हो, 100-200 का आता हो। मैं बाइसाइकिल यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनली परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे यही लगता है मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ और इसी से परफॉर्म करता हूँ, और ये डेक बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है परफॉर्म करने के लिए, इस वजह से मैं ये डेक यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरीके से दिखता है ये, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सी। तो इसमें आपको स्प्रेड करने में हेल्प होगी। तो पहला पॉइंट है, आपको एक अच्छे क्वालिटी का डेक चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप टेबल पे परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मैं ये हटा देता हूँ, अगर आप टेबल पे परफॉर्म कर रहे हो, अगर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई कपड़ा या फिर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि वो कार्ड को ग्रिप मिले, तो ये मूव आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अगर मैं स्प्रेड किया और इसको बराबर से बीच में अगर इसको गैपिंग नहीं मिला या फिर ग्रिप नहीं मिला, तो आप देख सकते हो ये स्प्रेड हो गया है, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे फिर ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो कभी कभार बीच बीच में क्या होगा, अगर आप स्मूथ सरफेस पे लोगे तो ये इस तरीके से आधे रास्ते में ही रुक जाएगा, आगे तक ये बढ़ेगा नहीं। कोई भी कार्ड गेम प्रोफेशनली खेलने जाते हो, लाइक पोकर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उधर एक मैट, ग्रीन कलर का मैट बिछा हुआ होता है जिसमें थोड़ी सी ग्रिपिंग रहती है। सो जो भी प्रोफेशनली खेलते हैं या जो भी प्रोफेशनली परफॉर्म करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से मैट यूज़ करते हैं। अगर आपके इधर नहीं है तो आप बेड पे अपने यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेड पे अच्छी खासी क्लोथिंग रहती है, वहाँ पे ग्रिप मिल जाती है, तो आप बेड पे भी ट्राई कर सकते हो। पहले आपको डेक कुछ इस तरीके से पकड़ना है, और अपने जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, मेरा तो लेफ्ट हैंड है डोमिनेंट, तो आप अगर राइट हैंड होगे तो राइट हैंड इस हिसाब से पकड़ोगे, बट अब मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा लेफ्ट डोमिनेंट हैंड है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कार्ड को कुछ इस तरीके से ग्रिप में पकड़ता हूँ, तो ये मेरी तीनों फिंगर यहाँ पे रहती है और 4 फिंगर इस पे रहता है, ठीक है, और जो थंब है मेरा वो इधर ग्रिप कर रहा होता है, ठीक है। तो 3 फिंगर यहाँ पे रहेगी, 4 फिंगर यहाँ पे रहेगा और थंब यहाँ पे ग्रिप करेगा, और इस 4 फिंगर से हमको थोड़ा सा प्रेशर डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रखा और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर डालना है और धीरे धीरे कार्ड को पीछे घसीटते जाना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से मैसी दिखेगा, वक्त के साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो बहुत अच्छा स्मूथली इस तरीके से गैपिंग आपको मिलेगी। बट कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा गैप मिल जाता है, यहाँ पे कम गैप मिलता है, तो ये करें, ये तो होगा थोड़ा सा स्पीड में 19-20 हो जाएगा। सो अलग अलग टाइप से वेरिएशन है, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो आपको देखना है कि जो भी गैपिंग है वो एग्जैक्ट सबका सेम ही हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये गैपिंग आप ठीक कर पाएंगे। इस ग्रिप में पकड़ना है कार्ड को, इस तरीके से प्रेस करके आखिरी तक स्प्रेड करना है, और कोशिश करें कि सब इक्वली स्प्रेड हो, ना कि ऐसा हो। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं बैड एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि ऐसा हुआ, ये बैड एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो गया, यहाँ पे बराबर गैपिंग नहीं हुई है, यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में कार्ड्स आ गए, तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको स्टार्टिंग कार्ड इस तरीके से ग्रैप करना है और उसको फ्लिप करना है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये स्पीड में जाएगा और ये आगे तक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो कुछ इस तरीके से वो कार्ड फ्लिप होगा, ठीक है। तो कार्ड को बीच बीच में शफल भी करते रहें, ठीक है। ये गया, उठाया, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये रुक गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है कार्ड का वो कम था, और यहाँ पे जब तक ये पहुँचा और उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई,
तो एनर्जी बचाने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा वॉल्यूम एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा और यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि डोमिनो इफेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो वॉल्यूम है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है आपको और यहाँ पर आते आते ये वॉल्यूम कम हो जा रहा है, तो यहाँ से जैसे ही हम इसे फ्लिप करेंगे तो ये बिना रुके वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर लेकिन अगर आप यहाँ से फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो वॉल्यूम कम था, तो यहाँ पर आपको रुकावट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और ये एनर्जी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, वो एनर्जी के लिए यहाँ पे पावर नहीं जनरेट हो रहा है, देखा आपने। तो इस तरीके से आप बीच में इसको अपने एडवांटेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्प्रेड किया और ये यहाँ तक गया और ये रुक गया, लेकिन अभी मुझे बीच में इसको रोकना है तो मैं यहाँ से फ्लिप करूँगा और ये बीच में यहाँ कहीं रुक जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपना खुद का एक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कार्ड को इस तरीके से किया और इस तरीके से मैं नॉर्मली कार्ड को उठा लेता हूँ एज अ फ्लरिश करने के लिए, एज अ शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वेरिएशन ये कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप इसको कुछ इस तरीके से, जब भी आपको प्रेशर से खेलने बराबर से आ जाएगा, जिस तरीके से मैं प्रेशर से खेल रहा हूँ आप देख सकते हो एकदम सिंक्रोनाइज वे में, और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे वॉल्यूम कम है, इसलिए एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होने में दिक्कत नहीं आएगी, सी। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अ फन वे, लाइक आप प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ा आएगा आपको करने में। तो हम लोग ने जिगजैग बनाया, तो आप थोड़ा सा और वेरिएशन इसमें अगर चेंज करना चाहें तो इसमें आप एस बना सकते हो, बट ध्यान रखें यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ आते आते वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो फ्लिप नहीं होगा। और आपको एंगल भी ध्यान देना है कि एंगल रोटेटेबल हो, अगर रोटेटेबल एंगल नहीं होगा तो इस जगह पे वो फ्लिप नहीं होगा, सी। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। अब मैं और कुछ बताता हूँ, जैसे कि ये हुआ डिज़ाइन बनाना, ये मैंने डिज़ाइन बनाया एक सिंपल, एक जिगजैग और एक एस, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये इस तरीके से कार्ड स्प्रेड किया, तो यहाँ से एक कार्ड उठा सकते हो, कोई भी एक कार्ड उठा लो और यहाँ पर उसको पॉइंट आउट कर दो, और उससे आप ऐसा पियानो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप कोई पियानो बजा रहे हो और वो देखने में लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये किया और इसको बीच में इस तरीके से रोक दिया। अब बीच में से आप रोकने के बाद आप दो फिंगर इस तरीके से यूज़ करें और इसको सेंटर पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं और कार्ड इस तरीके से उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बहुत सारी वेरिएशन, आप खुद का भी वेरिएशन क्रिएट करें और मुझे टैग करें इंस्टाग्राम पेज पे, जिससे कि मुझे पता चले आपने ये सीख लिया। और जितना भी मैंने की पॉइंट्स बताया उसको ध्यान दें और प्रैक्टिस करें, विदाउट प्रैक्टिस आपको ये नहीं आएगा। कोशिश करें, अगर आपके पास ये मैट हो तो मज़ा आ जाएगा, नहीं है तो आप अपने घर पे जो भी बेड है, लाइक बेड पे आप बैठ के आप कर सकते हैं, बेड पे भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं। मैं मैजिक ट्रिक्स तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं कुछ ईजी मूव्स और सिंप्लीफाई मूव्स आपको सिखा सकता हूँ, जिससे कि आप उसे प्रैक्टिस करके शो ऑफ कर पाएँ अपने फ्रेंड्स के सामने। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, पीस आउट।